अगर आपको याद होगा, मैंने रिलायंस जियो गीगा फाइबर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने राउटर के बारे में बताया था और इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा होता है उसके बारे में भी बताया था। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको 100 Mbps और 100 GB का फ्री डेटा भी मिलता है पर मंथ। लेकिन अगर आप ये जो 100 GB का लिमिट अगर आप इसे पार कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी, और अगर आपने मेरा रिलायंस जियो गीगा फाइबर का वीडियो नहीं देखा है तो बेहतर होगा कि आप वो देख लें। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो गीगा फाइबर है इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा है। केबलिंग एकदम अलग किस्म की है। अब तक जियो की तरफ से ऑफिशियली कोई प्लान तो नहीं आया हुआ है, लेकिन आपको 100 GB 100 Mbps स्पीड के साथ में फ्री डेटा मिलता है पर मंथ। लेकिन अगर आप ये 100 GB का जो डेटा लिमिट है अगर आप इसे क्रॉस करते हैं, तो आपको एक SMS नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब क्रॉस होने से पहले, कि आप जो डेटा है उसे रिचार्ज कर सकते हैं। 40 GB का आपको रिचार्ज ऑप्शन मिलता है, और इसकी कीमत है 0 रुपये, मतलब कि 0 रुपीज़। आपको कुछ भी पैसा नहीं पे करना है, सिर्फ प्लान को बाय करना है सिर्फ 0 रुपये में, मतलब सिर्फ आपको जो बटन है वो प्रेस करना है, बस उतना ही। ये देखिए, जब जो डेटा लिमिट है आप 50% क्रॉस कर लेते हैं, आपको ये SMS मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 GB फ्रॉम सिल्वर, मतलब कि जो मुझे फ्री प्लान दिया हुआ है जियो ने वो सिल्वर प्लान है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्ड प्लान भी होगा, प्लैटिनम प्लान भी हो सकता है, मतलब कि सिल्वर प्लान में मुझे 100 Mbps का स्पीड मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे थे ना कि ये गीगा फाइबर है तो इतना कम स्पीड क्यों दे रहा है, फ्री में दे रहा है भैया। और ये भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास एक और ब्रॉडबैंड है जहाँ पर मैं पे करके 80 Mbps का स्पीड मुझे मिल रहा है। मेरा 100 GB तकरीबन यूज़ हो चुका है, और मुझे SMS भी मिल गया है कि मैं जो रिचार्ज है वो कर सकता हूँ। SMS में ही लिंक मिल जाता है, उसे टैप करते ही मुझे 40 GB का जो एडिशनल डेटा लिमिट है उसका ऑप्शन मिल जाता है, वो भी 0 रुपीज़ में, मतलब कि 0 रुपये में। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, एक तो आपको 100 GB का लिमिट मिलता है पर मंथ। आपने मान लीजिए 10 दिन में 100 GB यूज़ कर लिया, तो आपको फिर ये SMS मिल जाएगा कि आप 40 GB का एडिशनल जो डेटा है उसे खरीद सकते हैं, वो भी 0 रुपीज़ में, 0 रुपये में। आपको जो SMS में लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक करना है, बस ऑटोमेटिकली 40 GB का फ्री वाउचर एक तरह से ऐड हो जाएगा। और मान लीजिए आपने ये 40 GB जो है इसे भी यूज़ कर लिया है 5 दिन में, तो आपको एक और SMS आ जाएगा कि आप फिर से 40 GB का जो डेटा रिचार्ज है उसे फिर से खरीद सकते हैं 0 रुपये में। तो ऐसा चलता रहता है। वैसे जब मैंने इस रिलायंस जियो गीगा फाइबर का इंस्टॉलेशन किया था, तो मुझे बताया गया था कि मुझे 100 GB 100 Mbps का जो स्पीड है वो मुझे पर मंथ मिलेगा 3 महीने तक के लिए। और जहाँ तक तो मुझे लगता है 3 महीने से ज़्यादा चलने वाला है, चलने वाला है जब तक ऑफिशियली जो रिलायंस जियो गीगा फाइबर है सब जगह नहीं आ जाता। तो अगर आप रिलायंस जियो गीगा फाइबर का उपयोग कर रहे हैं और आपने भी 40 GB का रिचार्ज किया हुआ है वो भी 0 रुपये में, तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए, और देखते रहिए।